तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैनोन प्रिंटर का इंक जो इरर का ऑप्शंस में छोड़ देता है या फिर पाइप में इंक कट कट के आता है, उसका फुल सॉल्यूशन हम आज इसके वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि बता दें आपको कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार का इरर आपके प्रिंटर में ऐसा भी होगा तो इसका सोल्यूशन हम आपको बताने वाले। जैसा कि ये प्रिंटर है, इसको मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रू ड्राइवर लगा के रखा है और इसको हम आज पूरी लाइव दर्शाने वाले हैं कि कैसे इसमें इंक को पास किया जाता है, कैसे इंक को मिलाया जाता है। अब देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ से प्रिंटर को ओपन करता हूँ। देखिए ओपन करने के बाद यहाँ से ये काम करना चालू कर देता है। देखिए अपना काम करना चालू कर दिया है। उसके बाद गाइस हमको क्या करना है, ये पिलास वाले बटन को दबा देना है और यहाँ पे जो आपको एक है ये प्लस वाले को तब तक दबाते रहना है जब तक यहाँ पे 10 ना बन जाए, नहीं 10 ना हो जाए, इसको 10 बनाना है। प्रेस कर करके यहाँ पे 10 लिखना है। यहाँ पे 10 लिखने के बाद 10 आने के बाद गाइस यहाँ पे ये देख सकते हैं कलर वाला आइकन को एक बार ही प्रेस करना है, एक बार प्रेस कर देना है इसको। यहाँ वन पे क्लिक करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे ये नाचने लगेगा और यहाँ से ये काम करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं इसमें इंक जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसके ब्लैक वाला इंक जो है ब्लैक और CMY करके इसमें कलर दिया हुआ रहता है और बी के ब्लैक को बी के दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे इंक पास हो रहा है, गाइस नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ इंक पास हो रहा है, देखिए यहाँ इंक जा रहा है, वो इंक पास हो रहा है गाइस यहाँ पे। और इंक पास होने के बाद अब देखिए कुछ इस प्रकार का आवाज़ क्रिएट होता है इसमें। अभी ये इंक ले रहा है, अब चारों पाइप जो दिखाई दे रहा है आपको, चारों में जब इंक हो जाएगा तो लगभग इसमें समय 5 से 7 यानी 10 मिनट के अंदर में रेडी हो जाता है। 10 मिनट तक हमको वेट करना है। हम आपको प्रिंट करके लाइव दिखाएंगे गाइस। गाइस इसको तब तक होने देना है यानी कि जब तक आपके प्रिंटर का डिस्प्ले में 1 लिख के नहीं आ जाए, यानी 1 लिख देगा मतलब प्रिंटर रेडी है। ये प्रॉब्लम अगर कैनोन का कोई भी प्रिंटर हो, 20-10 या फिर 10-30 या फिर 30-10 या फिर जो भी कोई प्रिंटर है सबका, अगर यही प्रॉब्लम है तो ये आप कीजिएगा तो आपका प्रिंटर सही हो जाएगा। जो जो मार वाले आइकन बताएं कि प्रेस करने के लिए, वो सब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंटर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कलर मिल रहा है।
तो देख सकते हैं अभी ये चल रहा होगा। यहाँ पे गाइस 1 लिख कर आएगा तब आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी सभी में इंक भर गए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सभी में इंक भर गए हुए हैं गाइस। यहाँ पे 1 लिख के आ जाएगा गाइस, उसके बाद आप समझ जाएगा आपका प्रिंटर पूरा सही हो चुका है सही तरीके से। देखिए यहाँ पे ये चलते रहेगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख सकते हैं पूरे पाइप में इंक जा चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना इंक था घट गया, उसके बाद यहाँ पे गाइस हम आपको कलर प्रिंटिंग करके आपको दिखाते। देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको कलर प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ। देखिए अभी कलर प्रिंटिंग है, देखिए गाइस यहाँ पे कलर प्रिंटिंग मैंने किया है और प्रिंट निकल रहा है।